अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज है फ्राइडे और आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन मैं बनाती हूँ बिरयानी। और इस वक्त मैंने बिरयानी जो है वो चढ़ा दी है। और आज मैं आप लोगों को लहसुन अदरक की जो मैं क्यूब्स यूज़ करती हूँ उसकी रेसिपी भी बताऊँगी। और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और आए शुरू करते हैं लहसुन अदरक की रेसिपी। व्यूअर्स, तो ये मेरी बिरयानी का मसाला रेडी है और चावल का पानी मैंने चढ़ा दिया है और वो भी तकरीबन होने वाला है। और राइस चावल जो है वो मैंने भिगो दिए हैं। और क्योंकि अदरक लहसुन मेरा जो है वो ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो आज मैं बना रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँ। लहसुन जो है चाहे आप पिसावा ले छिलावा ले लें या फिर आप खुद छील लें। आपको पता है खुद छीलने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हाथों में जलन वगैरह होती है, तो इस वजह से जो है वो चाहे तो आप छिलावा ले लें चाहे तो आप वो ले लें। अदरक जो है वो मैंने ये तकरीबन अदरक जो है मेरा ये आधा किलो अदरक है और आधा किलो लहसुन है, तो इसको मैं जो है वो एक ग्राइंडर चाहिए आपको। सब मैंने ये पीस लिया था क्योंकि मेरा अदरक लहसुन ख़त्म हो गया था तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा पीस के मैं बिरयानी में डाल दूँ। अब इसकी छोटी छोटी आप पीसेस कर लेंगे लहसुन अदरक के और इसको इसके अंदर डाल के और इसमें इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, 3-4 कतरे जो है वो ऑयल के डाल देंगे। और इसके साथ ही जो है वो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसके अंदर। और इसको फिर अच्छे से आप ग्राइंड बिल्कुल बारीक कर लें। और ग्राइंड करने के बाद जो है आप इसमें क्योंकि थोड़ा सा ड्राई होता है तो इसको थोड़ा सा आप पानी इसमें डाल सकते हैं और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसको जो है वो बिल्कुल जब सारा ये आपका पिस जाएगा पूरा तो उसको एक बाउल में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जो है वो इसको आप क्यूब्स में डाल दें या कोई ट्रे हो जो कवर के साथ हो उसमें डाल के आप इतनी बना लें कि क्यूब्स बन जाए। मैं तो ज़्यादातर दोनों में डालती हूँ, मतलब कोई लंच बॉक्स हो या कोई डब्बा हो कुछ भी हो और क्यूब्स भी डालती हूँ। और फिर उसके बाद जो है आप कोई भी कंटेनर ले लें, इस टाइप का कंटेनर ले लें या कुछ भी कोई डब्बा ले लें, उसके अंदर आप एक दिन के बाद जो है वो सारे क्यूब्स निकाल के उसके अंदर आप क्यूब्स रख दें और रूटीन के मुताबिक जो है आप निकालें और इसको अच्छे से यूज़ करते जाएं। जी व्यूअर्स, ये मेरा बिरयानी भी रेडी हो गई और मेरा ये इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया, अदरक लहसुन को भी। और ये इसमें मैं डालती रहती हूँ तो आपको पता है कि ये थोड़ा सा वो है। और एक मैंने बॉक्स ये लिया है, ये बच्चों का पुराना लंच बॉक्स था तो मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा से मैं डाल के रखती हूँ जो बच जाता है। तो इस तरह जो है आप इसमें क्यूब्स में जो है वो बना के रख लें। इसी तरह सारे क्यूब्स भर दें इसके साथ और उसको डीप फ्रीज़र में रख दें। और उसके बाद जो है तो ये मेरे लहसुन अदरक के क्यूब्स हो गए तैयार और अब इसको मैं रखने जा रही हूँ डीप फ्रीज़र में। जी व्यूअर्स, तो अभी दोपहर के तकरीबन 4:50 हो रहे हैं और तकरीबन हमने खाना वगैरह खा लिया, नमाज़ भी पढ़ ली, ज़ाहिर जुम्मा है आज तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद थोड़ा बहुत जो तस्बीह वगैरह पढ़ी, उसके बाद अब मैं फ्री हुई हूँ क्योंकि मेरे काम करके जा अभी कुछ कर रही हूँ क्योंकि मेरे रूम का हो गया है तो मैंने कहा चलो मैं आज थोड़ा सा राफे की बुक्स वगैरह को मैं कवर चढ़ा रही थी क्योंकि मैं अपने बच्चों की जो है वो कवर्स जो हैं वो मैं खुद चढ़ाती हूँ, मतलब कवर अप करती हूँ जैसे, क्योंकि बाहर टाइम बहुत लगता है और पैसा भी काफ़ी खर्च हो जाता है। तो ये देखें ये प्लास्टिक की शीट जो है वो मैं खुद इसके ऊपर जो है वो कवर अप करती हूँ।
ये राफी की बुक्स हैं, क्योंकि बुक्स पहले मिल चुकी थी तो मैं बुक्स वगैरह काफ़ी मैंने बुक्स कर दी थी, लेकिन अभी कॉपीज़ वगैरह आई हैं तो वो मैं कॉपीज़ कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूं कि मैं ये किस तरह जो है वो प्लास्टिक शीट बुक्स के ऊपर जो है मैं कवर अप करती हूँ, कवर चढ़ाती हूँ। तो ये राफी की बुक्स हैं, आपको मैं अभी दिखा रही हूँ ये सारी। और जो नहीं हुई हैं तक्रीबन जैसे मैथमेटिक्स, क्योंकि कॉपीज़ नहीं मिल रही थी, अभी कॉपीज़ मिलना शुरू हुई हैं, तो काम ये भी हुआ है। ये मैथमेटिक का है और राफी 6th क्लास में है, ओ लेवल कर रहा है, और ये सारी बुक्स वगैरह जो हैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ वन बाई वन कि ये राफी की जो है वो बुक्स 6th क्लास की कैम्ब्रिज की हैं, और कवर किस तरह चढ़ाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हिस्ट्री की बुक है राफी की, और ये इसकी वर्कबुक है हिस्ट्री की, और इसके बाद जो है ये इसकी मैथमेटिक है, ये मैथमेटिक है इसकी, और इसके बाद जी ये उर्दू है, कारवान है उर्दू, उसके बाद ये कंप्यूटर है, क्योंकि इस पर इसके ऊपर मैं कवर चढ़ा चुकी हूँ अब्दुल राफी की, और ये ज्योग्राफी है, और ये इसकी वर्कबुक है ज्योग्राफी की, और ये साइंस है इसकी, और ये लैंग्वेज है इसकी, और ये इस्लामियात की है इसकी, और इसकी इस्लामियात भी इंग्लिश में है, इसकी इस्लामियात उर्दू में नहीं है, इसकी इस्लामियात इंग्लिश में है पूरी। और ये जो है ये कौन सी थी, हाँ ये लैंग्वेज है, और ये साइंस की है, ये साइंस बुक है इसकी, इसकी मैं कवर चढ़ा चुकी थी क्योंकि इसके पहले मिल चुका था मुझे, और इसकी ये बुक जो है लिटरेचर की ये मुझे मिली नहीं थी उस वक़्त, तो अब ये मुझे मिली है तो मैं अभी इसको कवर अप करनी है मुझे इसको। और बाकी जो ये कॉपीज़ हैं इसमें एक आधा मिल गई थी, बाकी कॉपीज़ जो हैं वो मैं अभी जो है उसके ऊपर जो है वो कवर करूँगी और आपको साथ साथ दिखाती भी जाऊँगी। बस शीट्स के लिए आपको ये चाहिए, प्लास्टिक की कवर शीट चाहिए आपको, ये मैं थोड़ी सी रह गई है, काफ़ी पड़ी हुई है मेरे पास और काफ़ी मैं चढ़ा चुकी हूँ। इसके साथ जो है वो आपको चाहिए 2 अदर सीज़र, एक छोटी एक बड़ी, और इसके साथ स्टेपलर की पिंस चाहिए, स्टेपलर चाहिए, और इसके साथ एक टेप चाहिए। टेप इसीलिए चाहिए कि आप लोग सोच रहे हैं टेप क्यों चाहिए, तो टेप इसलिए चाहिए कि जब आप पिन करते हैं, ये आप देखेंगे जब आप पिन करते हैं ना, तो ये ऊपर से थोड़ी सी उखड़ जाती है, क्योंकि ये एक एक साथ जब यूं करके टच होती हैं तो ये कवर फट जाते हैं, तो मैं छोटे छोटे से पीसेस काट के और इन पिन्स के ऊपर लगाती हूँ, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये देखिए बिल्कुल बंद हो चुका है, ये आपको पिन नज़र नहीं आएगी बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं सब पे सबके ऊपर ये टेप इसलिए मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ जो है मैं इसके पिंस जो है ये बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये फिर बच्चों के हाथ में भी चुभ सकती है, लग सकती है, और एक दूसरे के साथ टच होती हैं बुक्स, तो उसके साथ भी जो है वो ख़राब हो सकती हैं। अब इस वजह से जो है वो मैं ये ज़रूर साथ लगाती हूँ। तो आए शुरू करते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि कवर किस तरह चढ़ाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये सारी बुक्स हैं जिनके ऊपर मुझे कवर अभी कवर चढ़ाने हैं, इन सारी कॉपीज़ के ऊपर, बुक्स सिर्फ एक है और ये कॉपी सारी हैं जिसके ऊपर मुझे चढ़ाने हैं। ये एक मैंने शीट ले ली है, पूरी एक शीट ले ली है, क्योंकि ये तकरीबन इसके साथ ही है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसको मैं कट कर लेती हूँ, तो तकरीबन पूरी आ जाती है, ये क्योंकि शीट्स कटी हुई होती है, इसको आप ऐसे बराबर करें, अगर कहीं से कवर बड़ा लग रहा है तो उसको आप काट दें। ज़्यादातर बच्चों के कवर मैं खुद ही चढ़ाती हूँ, और क्योंकि मुझे ज़रा तसल्ली होती है, बाहर तो टाइम भी वेस्ट होता है और आपको पता है कि चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं,
इस वजह से जो है वो ज़्यादातर मैं घर में ही जो है वो कवर कर लेती हूँ बच्चों के। अब इसको इस तरह करके मतलब इसके नाप की पूरी शीट काट लें और इसको आराम से यूं करके मोड़ें, ठीक है, और इसको पिन अप कर दें। इसी के साथ इस साइड पे कर लें और ये बिल्कुल इसके बराबर करके और इस साइड पे भी आप जो है वो पिन अप कर दें। दोनों साइड पे पिन अप हो गई हैं साइड पे, ये देखिए। और अब इसको ये साइड तो कवर हो गई, अब ये साइड कवर करनी है। अब जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से जो है वो आपको कट करना है। इसी साइड पे इस साइड पे कट करना है आपको। कट हो गई यहाँ से और इसी के साथ इसको इस तरह पकड़ें ऐसे यूं करके और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। ये अंदर की तरफ पूरी फोल्ड हो गई और यहाँ पे इसको आप पिन अप कर दें। एक यहाँ पिन लगा है और इसी तरह एक यहाँ पे लगा है। इसी तरह इस तरफ जो हमने काट दिया था अब इसको जो है थोड़ा सा रह गया है, ये बिल्कुल सेम इसी तरह इसको यहाँ से पकड़ें और इसको अंदर फोल्ड करें। और यहाँ पे जो है आप पिन अप करें, एक वहाँ लगाएं और एक यहाँ। इसी तरह जब ये एक साइड हो जाएगी तो आप इसको दूसरी साइड पे जो है और यहाँ से कट करें। इस साइड से भी कट करें। बहुत आसान है, आप भी घर में अपने बच्चों की कॉपीज वगैरह पे आराम से चढ़ा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक पिन लगाएं और फिर ये यहाँ पे एक पिन, ये जी ये मेरी चारों साइडें हो गई कंप्लीट। चारों साइडें कंप्लीट हो गई मेरी और अब जो ये हिस्सा बचता है ये वाला दोनों साइडों से, इसको आप बिल्कुल साथ साथ जो है इसको आप कट कर दें। ये कट हो गया। ये दोनों कट हो गए साइज। अब इसको जो है वो हम लगाएंगे, टेप लगाएंगे। टेप का यहाँ से हिस्सा निकालें थोड़ा सा जी, बस ये अब यहाँ से आप थोड़ा सा यूं कट करें ऐसे, कट किया और इसको दो हिस्सों में कट कर लिया। ये इसके ऊपर लगा दें और ये इसी तरह जब आप चारों साइडों पे लगाएंगे तो ये यहाँ पे लग जाएगी और पिन जो है वो ऊपर नहीं आएगी। इसी तरह आप चारों मतलब दोनों साइड्स पे अंदर से बाहर से जो है वो पिन लगा के टेप लगा के इसको बंद कर दें। इसको ये मेरी कॉपी हो गई कंप्लीट और टेप भी मैंने लगा दी हर तरफ और ये पूरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए यहाँ से भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ से कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह आप लोग भी चढ़ाएं अपने बच्चों की कॉपियाँ और बुक्स वगैरह पे, बहुत आसान कवर हो जाता है। और जो है वो अभी पढ़ाई जो है स्टार्ट हुई है और अभी राखी की जो है वो आपको पता है कि ये अभी वर्कशीट होने वाली है इसकी, तो काम जो है वो दो दो तीन तीन चैप्टर
आई थिंक करवा चुके हैं, तो क्योंकि अल्टरनेट पे चलता है यहाँ पे, एक दिन जाना होता है एक दिन नहीं जाना होता है, तो मैथ का जो है वो इसका काम तकरीबन कंप्लीट हुआ हुआ है। और उसके बाद जो है मैं दूसरी कॉपी इस पे चढ़ाऊँगी, ये इस्लामियात की है, ये छोटी कॉपी इसका ये होता है कि आप उसके साइज़ का जो है वो अलग काट लें, इसका ये होता है कि उसको बीच में से काट लें तो उस पर दो कॉपी इस पर चढ़ जाता है, और रजिस्टर है या जर्नल है तो उसके ऊपर जो है वो एक शीट पे चढ़ जाता है, और इतनी कॉपीज हों तो दो, मतलब एक शीट जो है वो दो पे आराम से चढ़ जाती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इस्लामियात का है, और इस्लामियात भी जो है वो इसकी इंग्लिश में है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता याद करना शुरू कर दिया है इसने। ये इंग्लिश लैंग्वेज की है, इसका भी ये जर्नल है, रजिस्टर है, और इसके भी तीन चार चैप्टर करवा दिए हैं जो कि आप इसके एग्जाम्स ले रहे हैं इनके, सारा इसका जो हो गया है काम। और कौन सा हुआ है जी, हिस्ट्री हो चुका है, हिस्ट्री का भी जो है वो काम कम्प्लीट है इसका तकरीबन सारा ही, थोड़ा सा जो तीन चैप्टर ले गए हैं वो तो इसका कम्प्लीट हो गया। अब इनको सबको चढ़ा के फिर लास्ट में आपको दिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने सारे कवर जो हैं वो डन कर लिए, पूरे के पूरे कवर मैंने चढ़ा चुकी हूँ इसके ऊपर, और सारी कॉपीज पे जो है पूरी कंप्लीट हो गई है मेरी। तो ये था मेरा आज फ्राइडे रूटीन, और सुबह से लेके अब तक का जो रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और अभी बच्चों के लिए चाय और कुछ स्नैक्स वगैरह बनाऊंगी, फिर उसके बाद रात की रूटीन शुरू हो जाएगी, और राफी का टीचर आ जाएगा, फिर वो ट्यूशन के लिए राफी पढ़ना शुरू कर देगा क्योंकि वो 7 o'clock पे आते हैं, और अभी जो है चाय शाय पी के हम। बताइएगा ज़रूर कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आज फ्राइडे की रूटीन कैसी लगी आपको, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।